नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रहस्य चालीसा में। तो आइए इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। घूमने फिरने के लिए शिमला जाना पसंद करने वालों लोगों की कमी नहीं है। सर्दियों में जब हिमाचल प्रदेश की राजधानी बर्फ़ की चादर से ढकी होती है तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। हालांकि जब शिमला जैसे खूबसूरत स्थानों को भूत प्रेत की कहानियों से जोड़ा जाता है तो थोड़ा अटपटा लगता है। बता दें कि शिमला में कुछ जगह हैं जो बेहद डरावनी मालूम पड़ती हैं। बर्फीली पहाड़ियों के बीच डरावने अनुभव भी गड़े हुए हैं जिन्हें जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अगर आप भी वीकेंड में शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसी जगहों के बारे में ज़रूर जान लें। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। करते हैं नंबर एक, टनल 33। सुरंग 33 के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर के कैप्टन बैरो को सौंपी गई थी। बैरो का ये काम विफल रहा था और उन्हें इसके लिए दंडित और अपमानित किया गया था। शर्मिंदगी न झेल पाने के कारण बैरो ने आत्महत्या कर ली थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि कैप्टन बैरो की आत्मा अभी भी सुरंग में घूमती है। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक आकृति को पटरी पर भी चलते देखा है और फिर वो आकृति गायब हो जाती है। नंबर दो, चार्लीविल मैंशन। शिमला के हरे भरे पहाड़ों के ऊपर चार्लीविल हवेली स्थित है। ये ब्रिटिश काल में बना एक सुनसान महल है जिसे एक ब्रिटिश अधिकारी विक्टर बेली और उसकी पत्नी का घर था। इससे पहले यहाँ सेना का एक अधिकारी रहता था। दोनों ही फैमिली ने हवेली में अजीबोगरीब घटना होने का जिक्र किया था। उनके मुताबिक एक ब्रिटिश इंसान जो दिखाई देता था फिर गायब हो जाता था। घर में कई बार चीज़ें अचानक टूट जाती थी। वर्तमान में इस हवेली को एक भारतीय ने खरीद रखा है। हवेली को फिर से सजाया गया है। नंबर तीन, से मेरी कॉन्वेंट स्कूल होने के साथ ही भयानक कहानियों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि ज़्यादातर बातें अफवाहें मालूम होती हैं। कहा जाता है कि शुक्रवार का दिन था और 13 तारीख थी। उस दिन एक बिना सिर वाला घुड़सवार आया था जो एक लड़की को गुलाब का फूल देता है और मना करने पर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं स्कूल के प्लेग्राउंड को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर पहले कब्रिस्तान था। कहा जाता है कि एक लड़की की आत्मा है जो हमेशा अपनी गुड़िया के लिए पूछती है। साल 2012 में एक दर्दनाक घटना हुई थी जब कक्षा 4 के 2 लड़कियों को मृत पाया गया। परिवार का दावा था कि शिक्षकों के मानसिक उत्पीड़न के कारण बच्चों ने जान दे दी। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी उन दोनों बच्चों की रूहें घूमती हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। इंदिरा गांधी मेडिकल स्कूल भी शिमला की भूतिया स्थानों में से एक है। कई बार यहाँ के मरीजों, परिजनों और डॉक्टर ने लिफ्ट गलियारों में अजीबोगरीब घटना होने की शिकायत की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अस्पताल में मृत्यु होने वाले लोगों की आत्माएं यहीं घूमती हैं। दुखनी हाउस। दुखनी हाउस शिमला का सुंदर पहाड़ियों पर मौजूद एक घर है। यहाँ यह घर एक बूढ़े आदमी की मौत को नहीं भूल पाया। कहा जाता है कि इस घर में एक बूढ़े आदमी की मौत का साया है जो सफ़ेद फटे कपड़े पहने हुए है। ऐसा कहा जाता है कि इस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी। ये थी शिमला की टॉप भूतिया जगहें। इस तरह की जानकारी के लिए आगे भी हमारे वीडियोस देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।